अगली खबर इंदौर शहर से आ रही है, जहां लगातार छठवीं बार देश के सबसे साफ शहर का तमगा मिलने के बाद इंदौर शहर दागदार हुआ। एरोड्रम क्षेत्र में एक नवजात बच्ची का शव किसी ने कचरा गाड़ी में फेंक दिया। प्लांट पर जब निगम कर्मी रस्सी बंधी अटैची को खोले तो उसमें प्लास्टिक में लिपटा हुआ नवजात बच्ची का शव देख चौंक गए। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको पीएम के लिए अस्पताल भेजा। ये पूरा घटनाक्रम सोमवार को सामने आया है। एरोड्रम पुलिस के मुताबिक छोटा बांग दादा स्थित कचरा प्लांट के इंचार्ज राकेश बिरवाल ने इसकी सूचना दी थी। उन्होंने बताया था कि 12:30 बजे प्लांट पर जोन एक वार्ड 4 से कचरा कलेक्शन कर गाड़ी पहुंची थी। गीला सूखा कचरा छांटते वक्त महिला कर्मी को बच्ची का शव पॉलिथीन में लिपटा मिला था। वहीं ड्राइवर गुरजीत सिंह मान ने बताया कि सोमवार सुबह कचरा कलेक्ट कर 9:30 बजे संगम नगर वाले प्लांट पर डाला था। दूसरे राउंड में 10:30 बजे से 60 फीट रोड के पास साहू नगर और पंचवटी नगर गए थे। यहां महिलाओं ने ही कचरा डाला था। यह कचरा छोटा बांग ददा वाले प्लांट पर डाला। कुछ देर बाद नवजात बच्ची के शव की सूचना मिली। इधर घटना के बाद पुलिस प्लांट पर पहुंची। यहां से नवजात बच्ची का शव बरामद किया गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्ची 1-2 दिन की जन्मी हुई है। उसकी नाल भी नहीं कटी थी। इधर घटना के बाद पुलिस भी सकते में आ गई। अब पुलिस साहू नगर और पंचवटी नगर के उन घरों की तलाश करेगी जहां गर्भवती महिलाएं थी और किसने कुछ दिनों पहले बच्चे को जन्म दिया है। इस मामले में आंगनबाड़ी सहायकों की मदद भी लेने की बात पुलिस ने कही है। वहीं इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी तलाश की जाएगी। मुखबिर तंत्र से भी जानकारी निकाली जाएगी। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।